हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज़ किचन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्पी पोटैटो पॉप्स हम घर पे किस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है और सभी को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ गए हैं तो आप इसे झटपट बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी पोटैटो पॉप्स बनाना। इसके लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे उबले हुए आलू। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, उसको कस लिया है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे पनीर भी ऐड कर रही हूँ, उसको भी मैंने कस लिया है। बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा ब्रेड क्रम्स, क्योंकि ब्रेड क्रम्स ऐड करने से ही ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छी क्वांटिटी में हमें ब्रेड क्रम्स यूज़ करने हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। लेकिन अगर आपको कस्तूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे बारीक कटा हरा धनिया भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर यूज़ किया है और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी मिक्स सीजनिंग। ये सभी मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग्स हैं, ये मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, सभी बेसिक मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे पनीर ऐड किया है, अगर आप यहाँ पे पनीर ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसको मत ऐड करें। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका एकदम टाइट डो बना के हमें तैयार करना है। थोड़े से ब्रेड क्रम्स मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि डो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। तो जितनी आपको ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एकदम टाइट होना चाहिए और हाथों पर बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपक रहा है, मैंने ऑयल भी नहीं लगाया है। तो इतना ही टाइट डो बना के हमें तैयार करना है। तो उसी हिसाब से आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करें। ये सभी बॉल्स हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब हम मिक्सिंग बाउल में लेंगे 3-4 टेबल स्पून मैदा। इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स डाल देते हैं और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। ये डालना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास है, मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सिर्फ नमक भी इसमें डाल सकते हैं। और एकदम पतला बैटर हमें बना के तैयार करना है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी, अभी भी ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं और ये बैटर अब तैयार हो गया है। अब सब चीज़ें रेडी हैं। सबसे पहले जो पोटैटो बॉल्स हमने बनाई हैं उसको हम जो हमने घोल बना के तैयार किया है उसमें डिप करेंगे और इस तरह से फोक पे ले लेंगे। ऐसा करने से जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है वो सब निकल जाएगा और इसको ब्रेड क्रम्स में हम कोट करेंगे। ये कुछ इस तरह से, और इसी तरह से हम सभी बॉल्स को पहले एक बार मैदा के बैटर में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं ऑयल अभी ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैंने फ्लेम को अभी ऑफ कर दिया है और एकदम मीडियम फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से भी सिक जाएं और बाहर से भी सिक जाएं। सब तरफ इसको घुमाते रहेंगे ताकि हर तरफ एक सार कलर आए। अब फिर से हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसी तरह से जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाएं पलटते हुए हम इनको सेकते रहेंगे। ये देखिए, पोटैटो बॉल्स हमारी बनके तैयार हो गई हैं। बहुत अच्छा इनके ऊपर कलर आ गया है और एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब बाहर निकाल लेते हैं। किसी भी किचन टॉवल पे आप इनको बाहर निकाल लें, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह से सभी बॉल्स को हम डीप फ्राई करेंगे।
तो ये लीजिए क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनके एकदम तैयार हैं। आप इसको टमाटो केचप के साथ, हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं और एकदम जल्दी और झटपट बन जाते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।